की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह प्रभावशाली व्यक्ति है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से दलीलें दी गई है। दिनेश अरोड़ा ने पहले संजय का नाम नहीं लिया, ये ईडी की तरफ से बताया गया है। और ये भी कहा कि संजय सिंह के प्रभाव की वजह से नाम नहीं लिया। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि इन्हीं दलीलों के आधार पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से ईडी को रिमांड मिलनी है संजय सिंह की। संजय सिंह ने इससे पहले कोर्ट में कहा था कि कोई भी सबूत ईडी को नहीं मिला है और वजह बताई जाए। दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह हैं अब, और ऐसे में अब ईडी की तरफ से कहा गया है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया है, 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है। पहले कल 10 घंटे से ज्यादा समय तक संजय सिंह से पूछताछ होती है। ईडी के पास सवालों की लंबी फेरिस्ट है, जिसका जवाब संजय सिंह ने नहीं दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो दलीलें ईडी की तरफ से दी गई है, इसमें ईडी की बड़ी दलील ये है कि प्रभाव की वजह से नाम नहीं लिया गया। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है, फैसला सुरक्षित है, लेकिन ये नई दलील सामने आई है कि प्रभाव की वजह से संजय सिंह का पहले नाम दिनेश अरोड़ा ने नहीं लिया, और क्या जानकारी? देखिए, जब संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए, तो ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने ये कहा कि संजय सिंह एक प्रभावशाली शख्स है और विजय नायर ने उन्हें धमकी दी, इसलिए उन्होंने संजय सिंह का नाम का पहले जिक्र नहीं किया था। दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया, जो ईडी ने कहा कि दो अभी और ऐसे नाम है जिसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ईडी ने दलील दी है कि तीन लोगों से आमना सामना संजय सिंह का कराना है, उसमें एक शख्स तो दिनेश अरोड़ा, यह साफ हो गया है। दो और लोगों से किस तरह का कन्फर्ट होगा, ये फर्दर आगे की जो रिमांड ईडी को मिलेगी संजय सिंह की, उस पर निर्भर करता है और आगे किस तरह से इस पूरे मामले में जो कड़ियां हैं उनको जोड़ा जाएगा। क्योंकि ईडी ने लगातार आरोप लगाए हैं आज कोर्ट में कि करीबन 3 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन जो लेन देन है वो संजय सिंह के घर पे हुआ है, और जो संजय सिंह के कर्मचारी हैं सर्वेश मिश्रा, उनके जरिए हुआ है, इंड्रो स्पिट के जरिए भी हुआ है, दिनेश अरोड़ा के जरिए हुआ है। तो ये गंभीर आरोप जो है वो आज ईडी ने लगाए हैं, लेकिन इन्हें साबित करना पड़ेगा और इसके लिए ईडी ने कहा है कि उन्हें आगे फर्दर रिमांड की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या आपने सर्वेश मिश्रा या जिन लोगों के नाम का जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्हें आपने संबंध किया है या उनसे पूछताछ की है, जिस पर ईडी ने कहा कि इन्हें संबंध किए गए थे लेकिन ये पूछताछ में शामिल नहीं हुए। उस पर भी संजय सिंह ने विरोध जताया कि उन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने संबंध किया है, पहले से कोई संबंध नहीं किया था। अब देखना होगा कि जब संजय सिंह की आज अभी कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, कोर्ट कितने दिन की रिमांड जो है वो संजय सिंह की ईडी को देती है, और उस रिमांड के दौरान जो समय ईडी को मिलेगा उसमें ईडी क्या क्या नए साक्ष्य सबूत जो है वो संजय सिंह के खिलाफ जुटाएगी, और फर्दर अगले कोर्ट की सुनवाई में वो किस तरह के साक्ष्य जो है वो कोर्ट के सामने रखेगी। तो अभी संजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज लंबी जेल, आनंद रहिए आप हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। चार्जशीट में यह बताया गया है कि शराब कारोबारी अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कैसे हुई और संजय सिंह का इस मुलाकात में क्या रोल था, इस बारे में आइए आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल चार्जशीट के मुताबिक अब से 3 साल पहले यानी साल 2020 में शराब कारोबारी अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। ये दोनों शराब कारोबारी संजय सिंह के घर पर जाकर उनसे मिले थे। उस दिन संजय के घर पर दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा को विवेक त्यागी से मिलवाया था। विवेक त्यागी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का बेहद करीबी है। इस मीटिंग में संजय और दोनों शराब कारोबारियों के अलावा सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी भी शामिल थे, और इस मीटिंग में अमित अरोड़ा के शराब बिजनेस पर चर्चा हुई। संजय सिंह ने अमित अरोड़ा के सामने एक शर्त रखी। संजय ने अमित अरोड़ा से अपने कुछ खास लोगों को शराब बिजनेस में घुसाने की शर्त रखी। शर्त मानने पर संजय ने अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाने का वादा किया। अमित अरोड़ा अपना शराब कारोबार बढ़ाने के लिए मनीष सिसोदिया से मिलना चाहता था। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से अमित अरोड़ा की मुलाकात करवाई और इस मुलाकात में एक डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात कही गई। मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा ने शराब कारोबार में अपने अपने फायदे की बातें की।
और एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नाम आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ईडी ने गिरफ्तारी की और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है, उनकी 10 दिन की कस्टडी की मांग की है और ईडी का दावा यह है कि उन्हें अभी और आगे पूछताछ करवानी है क्योंकि कुल मिलाकर तकरीबन 22 लोगों की गिरफ्तारी इस दिल्ली की नई शराब नीति के घोटाले के मामले में हुई है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के तीसरे बड़े नेता हैं जिनकी की गिरफ्तारी हुई है इस तरह के आरोपों में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी संजय सिंह की हुई है। आज कोर्ट में पेश किया गया, दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी है, फैसला सुरक्षित रखा है। 10 दिन की रिमांड की मांग की है ईडी ने और कहा है कि अभी कुछ और ऐसे लोग हैं जिनसे आमना सामना भी करवाना है, पूछताछ आगे करनी है। लेकिन खास बात यह कि संजय सिंह ने खुद को बेकसूर बताया है। कोर्ट में कहा कि अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैं बेकसूरवार हूं, मुझे किसी भी तरह से नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह भी पूछा गया कोर्ट की ओर से ईडी की ओर कि आखिर अगर आपको पैसों के लेन देन की जानकारी पहले से थी तो गिरफ्तारी अभी क्यों हुई है। कोर्ट में ये ईडी ने कहा है कि दरअसल दिनेश अरोड़ा ने पहले इस बात को अपने बयान में दर्ज करवाया कि वो एक प्रभावशाली नेता हैं और इसीलिए उन्हें डराया धमकाया भी गया था और अब जबकि ठोस सबूत भी हैं ये गिरफ्तारी संजय सिंह की हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन किस तरह की ठोस और बड़ी दलीलें रखी गई कोर्ट में? देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी दलील तो कोर्ट में ईडी की तरफ से यही रखी गई कि उन्होंने मनी ट्रेल की बात जो है वो आज कोर्ट को बताई कि किस तरह से, किस आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से करीबन 3 करोड़ रुपए जो है वो संजय सिंह के घर पर जो है वो ट्रांसफर किए गए, जिसमें सर्वेश मिश्रा जो उनके कर्मचारी थे उनके नाम का जिक्र किया गया, इंड्रो स्पिट कंपनी जो है शराब की उसका जिक्र किया गया और दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया गया। ये भी कहा गया कि दिनेश अरोड़ा ने माना कि हाँ 1 करोड़ रुपए उनके जरिए पहुंचाए गए हैं, इंड्रो स्पिट के जरिए भी पहुंचाए गए हैं। तो कुल 3 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन की जो बात है वो आज ईडी ने कोर्ट के सामने कही है। और अगर आप थोड़ा प्रशांत पीछे जाएं तो साल 2020 में जब ये नई आबकारी नीति शराब की नहीं बनी थी उसके पहले से ही जो संजय सिंह हैं, दिनेश अरोड़ा हैं और अमित अरोड़ा हैं, इनकी मुलाकात होती है। करीबन 2 से 3 मरतबा संजय सिंह के घर पर ये मुलाकात होती है। वहां पर आबकारी नीति से पहले संजय सिंह उन्हें ये कहते हैं कि अगर आपको मनीष सिसोदिया से मिलना है तो उसके पहले आपको कुछ मेरा कोई मेरे निजी फायदे के काम करना होगा, जो ईडी के चार्जशीट में लिखा हुआ और उसमें कहा है कि मेरे कुछ लोगों को शराब कारोबार में आप हिस्सेदारी दीजिए, जिस पर कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा की तरफ से कहा गया कि उन्हें मनीष सिसोदिया से मुलाकात करना है, जिसके बाद करीबन 3 से 4 बार मनीष सिसोदिया की भी दिनेश अरोड़ा से मुलाकात हुई। यहाँ तक बड़ी बात आप कह रहे हैं अपनी चार्जशीट में, ये भी कहा है कि ठोस बातें हैं जो ईडी ने अपनी चार्जशीट में दर्ज की हुई है जिसका जिक्र आज राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा गया है कि कौन कौन सी बातें हैं जो अब तक की पूछताछ में सामने आई है जो चार्जशीट में दाखिल है। लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से कल संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह एक ऐसा नाम आम आदमी पार्टी में जो पिछले कुछ वक्त से लगातार विपक्षी गठबंधन में अपनी पार्टी की ओर से अहम भूमिका निभाते चले जा रहे हैं और ऐसे में संजय सिंह की एक बड़ी भूमिका ईडी की अब तक तफ्तीश में सामने आई है और आज जबकि कोर्ट में पेश किया गया है ईडी की ओर से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है और ईडी का कहना है कि अपने रिटर्न दस्तावेज में उन्होंने कोर्ट के सामने 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी ताकि और लोगों के सामने उन्हें बिठाकर पूछताछ की जाए, लेकिन अगर 7 दिन की भी रिमांड मिलती है तो भी अपनी पूछताछ को उसमें मुकम्मल कर सकते हैं।